बेबी मैं कुछ नहीं जानती, आई लव यू सो मच, और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। देखो मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो हमारी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है अभी। तुम खुद का खर्चा चला नहीं सकते, तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? और क्या बोलोगे पापा को कि तुम क्या करते हो? लेकिन वो नहीं मानेंगे यार, मैं जानती हूँ मेरे पापा को। सुनो सुनो, देखो मेरे पास एक प्लान है, हम लोग इस वैलेंटाइन डे वाले दिन भागकर शादी कर लेते हैं, फिर मेरे पापा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उन्हें हमारी शादी को एक्सेप्ट करना होगा। हाँ तुम पंडित जी से बात कर लेना, ओके? ओके बाबू, चलो ठीक है, फिर प्लान डन। ओके अब मैं फोन रखती हूँ। ओके लव यू सो मच, बाय, टेक केयर जानू। मम्मी। हाँ। मैं नीचे से 20 मिनट में आती हूँ। ठीक है। ठीक है, कुछ चाहिए? नहीं नहीं ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ तुमको पता भी है? क्या पता है? तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तुम्हारी बेटी है ना, भागकर शादी करने वाली है। ये क्या बोल रहे हो आप? अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हो बिना सोचे समझे। ये सोचने समझने की बात नहीं है, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी आई लव यू, और ये वैलेंटाइन डे पे है ना, भागकर शादी करने वाली है वो, पता है तुम्हें? और वो लड़का, लड़का तो बिल्कुल निठल्ला है, कुछ काम का नहीं है, बेरोजगार है वो। हे भगवान, क्या कर रही है लड़की? आप रुको, मैं अभी उसे बात करके आती हूँ। रुको, मैं भी जा सकता था बात करने को, बच्ची हमारी बड़ी हो गई है, कल को कुछ ऊंच नीच कर लिया उसने तो हम समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगे आप? क्या सोचोगे क्या आप? अगर वो सच में भाग गई तो हम किसे मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे हम फैमिली वालों को? और सारे पड़ोसी तो हम पे हंसेंगे ना। क्या कहोगे आप ऑफिस में जाके? बात तो तुम सही कह रही हो। क्या सही कह रही हूँ? और आपके फैमिली वाले सब मुझे ही कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, माँ ने कैसी परवरिश की, बेटी तो माँ की परछाई होती है, इतना बड़ा टेंशन। हे भगवान, तुम मुझे ज्यादा टेंशन मत दो, मैं वैसे ही ऑलरेडी टेंशन में हूँ, कुछ सोचता हूँ। कुछ सोचा? क्या सोचूं मैं, उस लड़की के चक्कर में मेरा सिर दर्द हो गया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है बताओ ना। क्यों ना वो भागने से पहले उसकी शादी कर दे। वाह क्या आइडिया है तुम्हारा, भागने से पहले उसकी शादी। 15 दिन रह गए हैं वैलेंटाइन डे में, तुम्हारी बेटी भाग जाएगी और 15 दिन में उसके लिए लड़का मैं झाड़ से तोड़ के लाऊं क्या? उसका भी तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है? क्यों ना हम उस रिश्ते के लिए हाँ कर दे जो कल शाम को आया था। सुनो ना। फिर वो रिश्ते का क्या करना है? क्या क्या करना है? जो रमेश जी के बेटे का रिश्ता आया था, सुना है लड़का बहुत अच्छा है और कमाता भी अच्छा खासा है। लड़का अच्छा होगा, लेकिन जरूरी नहीं उसके माँ बाप अच्छे हों, और मुझे तो उसका बाप है ना एक नंबर का कमीना दिखता है।
और मुझे तो ये रिश्ता वहाँ पर कतई नहीं करना है। लेकिन उन्होंने घर पे आने की बात कही है। घर पे? अगर वो घर पे आ गया ना वो, तो उसको उसको धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगा मैं। और इस टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसका नाम नहीं लेना मेरे सामने। मेरी बेटी है ना, कल भागती है तो आज भाग जाए, मैं उसको टिकट के पैसे और दे दूंगा, समझी ना तुम। और तुझे तो पता है ना, रमेश के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। 15 साल हो गए इस बात को। और रमेश सोचता है ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके पास लेके जाऊं, उसकी जी हजूरी करूं। मेरे बस की बात नहीं है ये। आप उल्टा सोच रहे हो, थोड़ा सोचो। कल ऑफिस वालों को पता चलेगा कि बॉस खुद आए थे घर पे रिश्ता लेके, तो आपकी तो इज्जत बढ़ेगी ना ऑफिस में। इसके भी दो फायदे हैं। एक तो बेटी भागेगी नहीं, सोसाइटी में हमारी इज्जत बची रहेगी, और ऑफिस में तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सब लोग बोलेंगे बॉस खुद गया था रिश्ता लेके, वाह शर्मा जी में कुछ बात है। तू ठीक कह रही है, तेरी बात में दम है। ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ रमेश को, ठीक है ना, बात करता हूँ। तुमसे बेटा कुछ बात करनी है। हाँ पापा, बोलिए ना। जो हमारे ऑफिस में हमारे दोस्त है ना, रमेश जी। एक मिनट, वो आपके दोस्त कब से बन गए? उनसे तो आपकी बनती नहीं है। दोस्त बने नहीं है, बन जाएंगे। अरे वाह, ऐसा क्या हो गया जो इतनी पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई? तुम्हारी वजह से बेटा। मेरी वजह से? वो कैसे? क्योंकि उनके लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था और हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया, मुझसे पूछा भी नहीं। हम तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा, कुछ छोटे मोटे फैसले हम ले भी सकते हैं। लेकिन पापा ये कोई छोटा फैसला नहीं, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला है। तो हम बड़े भी फैसले ले सकते हैं। लेकिन पापा। लेकिन क्या? लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे मालूम था तू यही बोलेगी, और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकता। और मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी करूंगी, आप भी सुन लो। तुम दोनों शांत रहो, रिया बैठ के बात करो, आओ। आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे मुझे भागना क्यों ना पड़े। तू भाग के तो दिखा, देखता हूँ कैसे भागती है तू। और तुम सुन लो। आप गुस्सा मत करिए रिया, तू भी शांत हो जाना, समझना। अगर तू भागी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ये बात याद रखना। रिया बहुत रोते हुए गई है जी, क्यों ना हम उसकी मर्जी से ही शादी कर दे। रोती है तो रोने दो, और जहां मैंने उसकी शादी फिक्स की है ना, वहां पर वो हमेशा खुश रहेगी, ये मेरा दिल कहता है। चल ज्यादा ड्रामा मत कर अभी। अगर वो घर पे आ गया ना वो, तो उसको उसको धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगा मैं। और इस टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए। माँ, मुझे नहीं लगता पापा मेरी शादी सौरभ से करवाएंगे।
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी शादी सौरभ से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रिया, तू क्यों जान देने की बात करती है? अभी तेरी माँ जिंदा है ना। रिया, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? बोला था ना, अभी तेरी माँ जिंदा है। मम्मा, थैंक यू सो मच।